أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جلد سوم حکایت نمبر 69 शैतान का कुरैश को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए कहना कि मैं मदद करूंगा और जंग के वक्त भाग जाना। कुरान पाक में है, और जब शैतान ने उनकी हरकतों को उनको अच्छा करके दिखाया और कहा, आज लोगों में से कोई ऐसा नहीं जो तुम पर गालिब आ सके और मैं तुम्हारी पुश्त पनाह हूं। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने आईं तो वो उल्टे पांव चलता बना और कहा, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं, मैं वो चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देखते हो, मैं अल्लाह से डरता हूं। जंगे बदर में मदद का वादा करके शैतान उनके लश्कर को ले आया। उसने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद पर हूं, लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमतों को फरिश्तों की सूरत में देखा तो वह खुद पीछे की तरफ भागा। हारिस इब्ने हश्शामा को सुराका की शक्ल में आकर शैतान ने जंग के लिए तैयार किया था। हारिस चिल्लाया, ऐ सुराका की शक्ल में आने वाले, कल तूने इस तरह क्यों नहीं कहा? वो बोला, भाग जाओ, मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यही हाल नफ्स और शैतान का है, इसलिए नफ्स का धोखा देना शैतान का धोखा देना ही है। फरिश्ता और अकल भी इसी तरह एक चीज है, सिर्फ नाम अलहदा अलहदा है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमतों की वजह से उनको दो सूरतों में नमूदार फरमाया है। जिस तरह हमने शैतान की दुश्मनी का किस्सा सुनाया है, इसी तरह तेरा दुश्मन, तेरा नफ्स तेरे अंदर मौजूद है। वो यकदम गो की तरह हमला करके सुराख में घुस जाता है। इंसान के दिल में उसके रहने के बहुत से सुराख हैं। चूंकि शैतान का काम धोखा देकर घुस जाना और छुप जाना है, इसीलिए कुरान में उसको खन्नास यानी छुप जाने वाला कहा है। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों से मकलूब हो जाता है। इंसान के अंदर जो सिपाही है और जिसको शहवत कहा जाता है, वो इंसान को बुराइयों पर मजबूर कर देता है, वही चोरी और दीगर जरायम कराता है, तभी बैरूनी सिपाहियों को उस पर जुल्म करने का मौका मिलता है। हदीस शरीफ में है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे दोनों पहलुओं के बीच में है। नफ्स और शैतान एक ही चीज के दो नाम है। ये दुनिया के लालच में फंसा कर इंसान को ऐसा गुमराह करते हैं कि वो आखिरत में दायमी अजाब को सहल समझने लगता है। इस नफ्स से ये भी बईद नहीं है कि वो इंसान के लिए उसकी अबदी मौत को आसान कर दे। ये अपने जादू से इस तरह के सैकड़ों काम कर जाता है। ये तिनके को पहाड़ और पहाड़ को तिनका दिखा देता है। शैतानी फरेब में इंसान बुराइयों को बुराइयां और बुराइयों को भलाइयां समझने लगता है। शैतान नेकों को बद और बदों को मुगालता में डालकर नेक जाहिर कर देता है। जिस तरह जादू बाजार तब्दील हकायक करता है, इसी तरह शैतान हकायक को नफ्सल अमर में बदल डालता है। नफ्से अमारा वसवसे डालकर इंसान में जादूगरी करता है। नफ्स के इस जादूगरी का इलाज यह है कि बुजुर्गों से ताल्लुक पैदा करे। अल्लाह ने जो मर्ज पैदा फरमाया है, उसका तरियाक भी पैदा फरमा दिया है, जो जादूगरों के जादू का तोड़ कर देता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू को जादू से ताबीर किया है। बयान भी जादू है, लेकिन असल जादू वो है जो जादूगरों के जादू का तोड़ कर देता है। वही दरअसल तरियाक है। ये तरियाक औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम और बुजुर्गाने दीन का बयान है और तमाम नफसानी अगराज से पाक होता है। तू अपने मुर्शिद के बातनी उलूम से तल्लुक पैदा कर ले। जिल्द सोम हिकायत नंबर 70 मस्जिद के मेहमान को मलामत गुरों का फिर नसीहत करना। लोगों ने कहा, खबरदार मस्जिद में न ठहर और मस्जिद को मौत का बहाना बनने का इल्जाम न दे, तो जैसे बहुत सोने पहले ही ये शेखी मारी और फिर शर्मिंदा हुए हैं, खामखा अपने आप को मुसीबत में ना फंसा। उसने जवाब दिया, ऐ दोस्तों, मैं उन भूतों में से नहीं हूं जो लाहौल से भाग जाए। तुम्हारी ये धमकियां जो मस्जिद में सोने पर मुझे दे रही हैं, उन मसाइब के मुकाबले में जो मैं झेल चुका हूं कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों में से हूं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह जान देने से दरेग नहीं करते। कुरान में जो ये इरशाद है,
कुल तालु यानी आ जाओ, तो ये समझो कि ये फरमान मेरे ही लिए है। इंसान जो कुछ किसी गरीब को देता है, बस औकात उसके देने में उसके पेश नज़र उस गरीब की हाजत को रफा करना होता है, और बाज़ औकात उसके पेश नज़र ये भी होता है कि खुदा मुझे उसका इवज और बदला आखिरत में अता फरमाएगा। ये दूसरी सूरत पहली सूरत के मुकाबले में बेहतर है। जिस शख्स को अजरे उखरवी पर यकीन होता है वह बहुत जल्द अताओ बख्शिश करता है। दुनियावी कारोबार में भी नफा की खातिर लोग अपना माल खर्च करते हैं जब तक उन्हें नफा की उम्मीद होती है। लोग उस वक्त तक अपना सरमाया लगाने में हिचकिचाते नहीं। इल्म और हुनर में भी जब इंसान को शराफत नजर आती है तो इंसान जान पर खेल कर भी उनको हासिल करता है, लेकिन जब तक इंसान आला चीज से बेखबर होता है तो अदना ही पर इक्तफा करता है। ये तसव्वुरात की दुनिया उस वक्त तक ही प्यारी है जब तक विसाल हासिल नहीं है। विसाल के बाद ये चीजें बेहकीकत रह जाती हैं। ये हकायक कोई महर में राज ही समझ सकता है। मेहमान ने कहा, कुरान में है अल्लाह ने मोमनों से उनकी जानें खरीद ली हैं। इंसान को अपनी जान और माल उस वक्त तक प्यारा है जब तक उसको उनकी उस किस्मत का यकीन नहीं है जो अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हकीकी चीज के बारे में गुमान भी तरक्की करके यकीन का दर्जा हासिल कर लेता है, लेकिन बाज लोग अजरे उखरवी के बारे में गुमान के दर्जा पर रहते हैं और उनको यकीन का दर्जा हासिल नहीं होता। यकीन के बाद मुशाहिदे का दर्जा है। अल्लाह ने सूरत तकासुर में फरमाया है, तुम जरूर जान लोगे, फिर तुम जरूर जान लोगे। अगर तुम यकीनी तौर पर जान लोगे तो जरूर दोजख को देख लोगे, फिर तुम ऐनुल यकीन से उसको देख लोगे। यानी शक के बाद इल्म का दर्जा है, इल्म के बाद यकीन का, और यकीन के बाद मुशाहिदे का। मेहमान ने कहा, अब मुझे मुशाहिदा का दर्जा हासिल हो चुका है, इसलिए मैं शक को शुबा से पाक हूं। जबकि मुझ पर बेहिसाब तजल्लियां पड़ रही हैं तो मैं उस जात का आशिक हूं। तमाम मलकियतें अल्लाह ही की हैं, फिर डर किस बात का। अब तो अगर मैं कोई शेखी भी बिगाड़ूं तो वो भी उसकी तरफ से होगी कि मुझे अल्लाह से इतनी कुर्बत हासिल है कि अब ना तो खौफ है और ना ही डर। अंबिया अलैहिस्सलाम को चूंकि कुर्बे इलाही हासिल होता है इसलिए वो न डर होते हैं और शाहों के बड़े बड़े लश्करों से भिड़ जाते हैं। वो कौमों में बकरियों के चरवाहों की तरह होते हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं। अगर नबी कौम पर नाराज भी होता है तो उसका सबब कौम की मोहब्बत ही होती है। आशिक से अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तू मेरा आशिक है तो तुझे मेरी मर्जी पर राजी रहना है। तू मेरा विसाल हासिल करने के लिए तकलीफ में मुब्तला होकर ठंडी आहें भरता है। मैं ये भी कर सकता हूं कि बगैर तकलीफ उठाए तुझे अपना विसाल अता कर दूं, लेकिन जो तकलीफ पहुंच रही हैं वो तेरे नफा के लिए हैं। सफर में इंसान ज्यादा थकता है तो अकामत की लज्जत में इजाफा होता है। अगर मकसद बिला मेहनत हासिल होता है तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। तू इस राह में जिस कदर मसाइब बर्दाश्त करेगा उसी कदर वसल की लज्जत में इजाफा होगा। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 71। मुसीबत में मोमन के भागने और बेसब्री की मिसाल, और चने और बीबी के दरमियान गुफ्तगू का बयान। बीबी ने चने को हांडी में डाला और नीचे आग जला दी। चना जुबान हाल से फरियाद कर रहा था कि तू मुझे खरीद कर लाई और अब इस सख्त गर्मी में मुझे जलील कर रही है। बीबी ने कहा, मेरा तुझे ये जोश देना तेरे ही भले के लिए है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं कि जोश खाकर तू इंसान की गजा बन जाए और चने से इंसान की जान बन जाए। हदीस कुदसी में है कि मेरी रहमत मेरे गजब से पहले है। पहले रहमत इस वजह से है कि उस रहमत की वजह से उसकी परवरिश होकर वो इम्तिहान के काबिल बन जाए। रहमत की वजह से ही तो गोश्त तो पोस्त बना है। अगर वो ना हो तो इश्क किस चीज को गुलाएगा। अगर इश्क की बुनियाद पर इंसान पर मुसीबतें आती हैं और वह साबित कदम रहता है तो फिर खुदा की मेहरबानी उसको कुर्ब वसाल की बशारत देती है। रंज भी अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान होता है। अगर उसके साथ अच्छा मामला किया गया होगा और उसे सब्र से बर्दाश्त किया होगा तो वो उस शाह के दरबार में जाकर तारीफ करेगा, तो मुनिम के इनाम का हकदार ठहरेगा।
बीबी ने कहा, अगर तू मेरा है तो मेरी तरह शुक्रगुजारी कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने पर अमादा हो गए थे। मैं तुझे फना कर रही हूँ, ये बज़ाहिर फना है लेकिन दर हकीकत बका है, क्योंकि तू इंसानी जान का हिस्सा बन जाएगा। चने की हालत इब्तला से पहले अच्छी थी, मगर इब्तला के बाद बदरजहा बेहतर है। अब चना तरक्की करके हैवान का जुज बन गया और इंसानी अजसाम का हिस्सा बनकर अफकार की गिजा बन गया और आला मुकाम पर पहुंच गया। हैवान नबतात से खुराक हासिल करता है, नबतात की मौत इस तरह उसकी तरक्की का बायस बन गई। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, ऐ यारो, मुझे कत्ल कर दो कि मेरे कत्ल होने ही में मेरी जिंदगी है। जब यह साबित हो गया कि मौत ही तरक्की का सबब है, लिहाजा उनका कौल सही साबित हुआ। जिस तरह अनाज इंसान की गजा बनकर उसका जुज बन जाता है, इसी तरह सच्चा फेल और कौल फरिश्ते की गजा बनकर बुलंदी हासिल करता है। इंसानी रूहों के काफले आलम बाला से दुनिया में कारोबार के लिए आते हैं और नफा नुकसान कमाकर वापस जाते हैं, तो इस तरह असल मुकाम आलम बाला ही है। इसलिए जब दुनिया से जाना ही है तो खुशी से सुरखरू होकर जाओ। बीबी ने चने से कहा, मैं ये तलख बातें तुझे इसलिए कह रही हूँ ताकि तेरी तलखी दूर हो जाए। इस तरह जब इंसान में बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाता है तो वह पुख्ता होकर शीनी बन जाता है। जब चने पर जाहिर हो गया कि मसाइब तकमील का जरिया है तो वह बर्दाश्त करने पर राजी हो गया। बीबी ने कहा, जब मैं जमादात से तरक्की कर रही थी तो कहती थी कि यह तरक्की इसलिए है कि मैं इंसान का इल्म और सिफत बन जाऊं। अब जबकि रूह बन गई हूं तो अब रूह हैवानी से बुलंद मर्तबा हासिल करना चाहिए। तरक्कियों के इस जिक्र से यह शुबा हुआ कि उनके जिक्र से अल्लाह के साथ इत्तेहाद जाती तक तरक्की न समझ ली जाए। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह से दुआ कर ताकि तू सही मतलब समझ सके और गुमराह ना हो। अल्लाह से इत्तेहाद जाती का अकीदा गुमराही है। जिस तरह कुरान से कच फहम गुमराह होते हैं, इसी तरह मसरमी से भी हो सकते हैं। इसमें कुरान का कसूर नहीं होता बल्कि उनकी कौरबातनी का कसूर है। मस्जिद का मेहमान आलिम आखिरत का तलबगार था, जिस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। मुमकिन है कि यह हुआ हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की हो। उन्होंने कहा, मेरी रूह अब हैवानी नहीं रही कि एक शोले से खत्म हो जाए। अगर इंसानी जान आतिशी शहवत, आतिशी गजब और गुस्सा का ईंधन न बने तो वह खूब फले फूले, खुद भी मुनव्वर बने और दूसरों को भी मुनव्वर करे। इस दुनिया की ये आग कुर्राए आतिशी का परताव है और परताव और साया नापायदार चीजें हैं। ये इस तरह समझ लो जैसे इंसान का कद और उसका साया, परताव और साये हमेशा असल की तरफ लौट जाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे मसनवी पर इतराजात पर अकलन कोई रंज नहीं है। मैं इतराजात का जवाब भी ना देता, मगर इसलिए देता हूँ कि इतराज करने वालों की दौलतियाँ सादा दिन लोगों को गुमराह कर देंगी। हकीम सनाई गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बकौल, ये लोग नूर मारफत से महरूम हैं। उनकी पहुँच कुरान के सिर्फ अल्फाज तक है। ये मोतरजीन कहते हैं कि मसनवी में अबवाब और फसूल कायम करके तसव्वुफ के मरातिब का जिक्र होना चाहिए था ताकि सालिक के लिए हर मंजिल और मुकाम की निशानदेही हो जाती, तो ये एक गोरखदंदा मालूम होती है। जब अल्लाह की किताब आई तो उस पर भी लोगों ने इसी तरह के इतराजात किए थे कि पुरानी कहानियां और अफसाने हैं। आदम अलैहिस्सलाम, गंदम, शैतान और सांप का जिक्र है। हूद अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग के किस्से हैं। नूह की कश्ती, किन्यान, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और काबा और हाथी वालों का जिक्र है। यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की कौमों की बातें हैं। मरियम अलैहिस्सलाम और खजूर, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और याहया, साले अलैहिस्सलाम और ऊँटनी और पानी की तकसीम का बयान है। इलियास अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा है। कारून के ज़मीन में दंसने का तज़किरा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और तिया में इसराइलियों की बातें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, तूर, दरख्त और असा का जिक्र है।
ذوالقرنین علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ارمیہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کو ٹکڑے کرنے کی بات ہے، یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ وہ بیان کہاں ہے جو عقلوں کو گم کر دیں؟ تو انہیں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ آسان لگتی ہیں تو ان جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، جن اور انسان لگ جاؤ اور ایک آیت بنا لاؤ۔ جلد سوم، حکایت نمبر 72۔ اس حدیث کی تفسیر کے قرآن کا ظاہر اور باطن ہے، اور اس کے باطن کا باطن ہے، اور ایسا 7 باطنوں تک ہے۔ قرآن کے ایک تو الفاظ ہیں، ترجمہ اور معنی ہے، پھر ان معنی کا معنی ہے، اس طرح تہ در تہ 7 معنی تک یہ سلسلہ ہے۔ ان معنی کے کچھ مرتبوں تک فہم و فراست کے تفاوت کے اعتبار سے مجتہدین اور علماء کی پہنچ ہے، اور کچھ مراتب سے صرف اہل اللہ کا تعلق ہے۔ یہ واضح رہے کہ اسرار کے بیان میں وہی معنی معتبر ہوں گے جو الفاظ قرآنی اور ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام ایسے اسرار تک پہنچ جاتے تھے کہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ ان میں حیران ہو جاتے تھے، معنی کی اس طے میں سب کی عقلیں گم ہو جاتی تھیں۔ قرآن کی چوتھی منزل کے آگے کا باطن سوائے خدا لا شریک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث جو عنوان میں مذکور ہے وہ بالکل غلطی سے محفوظ ہے۔ اے دوستو، صرف قرآن کے الفاظ ہی کو نہ دیکھو بلکہ اس کے تہ در تہ معنی کی طرف اپنی توجہ کرو۔ محض ظاہر پر نظر کرنا شیطانی کام ہے، جیسا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف ظاہری جسم کو دیکھا۔ قرآن کے الفاظ کی مثال اور ان میں پوشیدہ معنی کی مثال انسان کی صورت اور اس کے باطنی اور روحانی اوصاف کسی سمجھو۔ ایک انسان خواہ کتنا بھی قریبی عزیز ہو، تم اس کے باطنی اوصاف سے غافل رہتے ہو۔ باوجود قرب کے انسان کے باطنی احوال عوام سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اولیاء رحمت اللہ علیہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ بزرگوں کی خلوت نشینی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوصاف تو بہرحال عوام سے چھپے رہتے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم عوام میں رہتے ہوئے بھی ان سے 100 پہاڑوں کی بلندی پر ہیں، ان کے اوصاف تک لوگوں کی پہنچ کہاں ہے؟ ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ باطنی طور پر عوام سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اگر عام آدمیوں کے اوصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوصاف تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اولیاء رحمت اللہ علیہم اور ان کے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا سمجھو، جو بظاہر تو معمولی چیزیں تھیں لیکن ان کے باطنی کمال اور اوصاف حیرت انگیز تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمام بنی آدم کے قلوب ایک قلب کی طرح اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ان کو جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ یعنی جس طرح عصا موسیٰ علیہ السلام اور دم عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت حق تعالیٰ کے خاص تصرفات ہیں، اس طرح مومن کے دل پر بھی حضرت حق تعالیٰ کے خصوصی تصرفات ہوتے ہیں۔ ان کے باطنی اوصاف ایسے ہیں کہ ان کی گرد بھی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے اور ان کی ہمت مردانہ پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے کوہ طور رقص کرنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پہاڑوں اور پرندوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ ان کے ہم نغمہ بن جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور پہاڑ اللہ کے عشق میں ہم نغمہ بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تو میری فراق میں مبتلا ہے اور دوستوں سے جدا ہے۔ فراق کا غم فروغ کرنے کے لیے محفل اور قوالوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں پہاڑوں میں یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہوں کہ تو سمجھ لے کہ جب پہاڑ کا نالا بغیر ہونٹ اور منہ کے ہو سکتا ہے تو ولی کے نالے بھی بغیر لب و دندان ہو سکتے ہیں۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے دل کے نالوں کو ان کے کان سنتے ہیں، تم نہیں سن سکتے، لیکن اگر ان کی اس کیفیت پر یقین کر لو تو تمہاری سعادت ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے روحانی مکالمات جاری رہتے ہیں اور پاس بیٹھنے والے ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ روحانی مکالمہ حسی کانوں سے نہیں سنا جا سکتا، عوام روحانی مکالموں سے بہرے ہیں۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم سے اعتقاد اچھا رکھنے سے ہو سکتا ہے،
कभी सुनने के काबिल हो जाएं। मैं मसन में लिखने पर एतराज करने वालों के एतराजात से लिखना बंद नहीं करूंगा और ना एतराजात की तरफ तवज्जो दूंगा। इस सिलसिले में एक हकायत सुनो। एक बछेरा और माँ पानी पी रहे थे। वहां कुछ लोग सीटियां बजा रहे थे और बछेरा सीटियों के वास से भिदक रहा था। माँ ने पूछा, तुम क्यों तसल्ली से पानी नहीं पी रहे हो? बछेरे ने कहा, मुझे उन सीटियों से डर लगता है और मैं अपना ध्यान पानी की तरफ नहीं कर सकता। माँ ने कहा, बेटा जब से ये दुनिया बनी है फजूल काम करने वाले यहां रहे हैं, तू अपना काम करता जा, उनसे ना घबरा। पानी तेजी से बहता जा रहा है, तू सिर्फ पानी की तरफ देख। इस दुनिया में अगर तुझे कोई बाकरामत वाली नजर नहीं आता तो बेदेखे ही तू उनसे तल्लुक पैदा कर ले। कुछ अरसा बाद तुम्हें उसकी बुजुर्गी का यकीन आ जाएगा। अगर अंधे को नहर का पानी नजर ना आए तो उसे चाहिए कि इस नहर में अपनी ठिलियां डुबो कर देखे, वो पानी से भर जाएगी तो पानी के होने का यकीन आ जाएगा। उसको मालूम हो जाएगा कि अब नफसानी ख्वाहिशात मुझे नहीं उड़ा सकती। जो लोग बेवकूफ हैं और बुजुर्गों से फैज याब नहीं है उनकी ठिलियां हल्की रहती है और ख्वाहिशात की हवा उसे उड़ाए फिरती है। शेख के साथ ताल्लुक कश्ती के लंगर की तरह है। चूंकि तुझ में अकल का लंगर नहीं है तो बुजुर्गों की अकल से लंगर हासिल कर ले। ये मदद पहले दिल को हासिल होती है, फिर उससे आंखें मुनव्वर होती हैं। नूरे हिस्सी और नूरे बातनी का असलन ताल्लुक दिल से होता है, इससे आंख में मुंतकिल हो जाता है। तजल्लियात रब का नजूल दिल पर होता है जबकि आसमानी पानी का नजूल दिल पर होता है। तो हमें इस बछेरे की तरह पानी पीने में लगा रहना चाहिए और मोतरेजीन की सीटियों से नहीं बिदकना चाहिए। सालिक पैगंबरों का पैरो होता है, तो जिस तरह पैगंबरों ने तानाजनी की वजह से अपना काम नहीं छोड़ा, सालिक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। मस्जिद का मेहमान मस्जिद में लेट गया लेकिन उसको नींद ना आई, इसलिए कि वो इश्क में डूबा हुआ था और डूबे हुए को नींद से क्या वास्ता। आशिक की नींद तो इस तरह की होती है जैसे तैरती हुई मछली की। गैबी आवाज ने उस मेहमान को डराना चाहा लेकिन वो डर गैर वाकई था। इसी तरह शैतान सालिक को डराता है जो महज धमकी होती है। जब इंसान दीनदारी इख्तियार करने का आजम करता है तो शैतान उसे फक्र व फाका से डराता है कि दीन के कामों में लगेगा तो कमाई से महरूम होकर मुफलिस हो जाएगा। ऐसी ही बातों के दिल में आने से दीन पर चलने का इरादा करने वाला गुमराही की तरफ लौट पड़ता है और दुनिया में लग जाता है और दिल में सोचने लग जाता है कि अभी नेकी करने का बहुत वक्त है। पड़ोसी की मौत से कुछ तंबीह होती है और वो दीन की तरफ दौड़ता है लेकिन शैतान फिर उसको धोखे देता है और इस तरह इंसान साल हसाल कश्मकश में गुजार देता है। शैतान की अंदरूनी आवाज ना दीन की राह पर चलने देती है ना रूहानी गिजा खाने देती है। उनकी रूहों पर ऐसी ही मायूसी तारी रहती है जैसे काफरों की रूहों पर मरने के वक्त तारी होगी। शैतानी आवाज के जब ऐसे असरात हैं तो खुदाई आवाज के असरात कैसे होंगे? खुदाई आवाजें भी शैतानी आवाजों की तरह तुम्हें आती हैं। अगरचे खुदाई आवाज शैतानी आवाज से बड़ी हुई है लेकिन तुम पर उसके असरात इसलिए मुरतब नहीं होते कि तुम उसके अहल नहीं हो। जिस तरह बाज की हैबत बहुत बड़ी होती है उसके मुकाबले में मक्खी की हैबत बिल्कुल नहीं होती लेकिन मक्खी बाज से मुतासिर नहीं होती। अगर तुम खुदाई आवाज के अहल होते तो ला मुहाला उससे मुतासिर होते। जिस तरह चकोर बाज से मुतासिर हो जाता है, मक्खी चूंकि बाज का शिकार नहीं है लिहाजा वो मुतासिर नहीं होती। जिस तरह मक्खी मकड़ी से मुतासिर है इस तरह तुम शैतान की आवाज से मुतासिर हो। खुदाई आवाज के अहल औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहिम है लिहाजा उन पर वो असरअंदाज है। मकड़ी यानी शैतान की आवाज का उन पर कोई असर नहीं है, इसलिए कुरान में शैतान को खिताब करके कहा गया, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई दबदबा नहीं है। इम्तियाज इसलिए रखा गया कि औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम और गैर औलिया बाहमी मुमताज रहे। मेहमान ने मस्जिद में से आवाज सुनी तो वो बिल्कुल खौफ सदा ना हुआ क्योंकि मौत की अलामत अहलुल्लाह के लिए खुशी का सबब होती हैं। अहले दुनिया चूंकि नूरे बातनी से खाली हैं इसलिए वही मौत जो अहलुल्लाह की खुशी का बायस है वह अहले दुनिया के लिए तकलीफ का सबब है। ईद का नकारा बजता है तो ईद मनाने वाले खुश होते हैं। जब मस्जिद में से आवाज आई तो उस मेहमान वली को किस कदर फायदा पहुंचा। उस मेहमान ने जवाब में अपने दिल को आवाज दी तो जिस्म टूट गया और हर तरफ सोना बरसने लगा।
वो मर्द उस पर हैरान रह गया। उस सोने का जो जिक्र आया है उससे अहले जाहिर और दुनियादार दुनियावी सोना समझेंगे, हालांकि उससे मुराद अनवारो बरकात खुदावंदी है। जिस तरह बच्चे अपनी ठीकरियों को सोना समझते हैं, उसी तरह दुनियादार उस सोने को जो हकीकतन ठीक रहा है सोना समझते हैं। बच्चों के सामने जब सोने का जिक्र करोगे तो वो ठीकरे मुराद लेंगे, इसी तरह दुनियादारों के सामने सोने का जिक्र करोगे तो वो यही दुनियावी सोना ही समझेंगे। इस सोने से मुराद तजल्लियात रब है। दुनियावी सोने चांदी से तो दिल मजीद हरीस बनता है, लेकिन जब उस पर रब की तजल्ली पड़ती है तो उसको तमन्ना हासिल होती है। उस मेहमान के लिए मस्जिद शमा की तरह हुई और ये उस शमा का परवाना था। उस मुसाफिर के लिए मस्जिद की आवाज ऐसी ही साबित हुई जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो आग थी जो दरख्त के पास उन्हें नजर आई थी। वो आग ना थी बल्कि नूर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की बेशुमार इनायतें थी। उनको नार की जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने नूर को नार की शक्ल में नमूदार फरमा दिया कि वो उस तरफ मतवज्जो हो जाए। जब कोई आम इंसान किसी वली को देखता है तो उसको सिर्फ उसमें बशरी और साफ ही नजर आते हैं। वली में और साफ बशरी का नजर आना खुद उस शख्स की तबीयत का अक्स है, क्योंकि वह खुद इन्हीं और साफ से मुतसिफ है, लिहाजा उसको सिर्फ वही नजर आते हैं, हालांकि वो वली उनसे पाक साफ होता है। वली को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दरख्त समझो जिस पर बजाहर आग थी लेकिन दरअसल नूर था। उस वली से इत्तेसाल पैदा कर ले तब तुझ पर उसकी हकीकत खुलेगी। एक चीज का बजाहर नार और हकीकतन नूर होना इस बात से भी समझो कि सालिक को तरके दुनिया नार मालूम होती है, लेकिन जब वो राह सलूक पर चल पड़ता है तो उसको मालूम होता कि तरके दुनिया दरअसल नूर है। दुनियावी आग दूर से नूर मालूम होती है लेकिन उसके पास जाए तो जला देती है, लेकिन इश्क की आग दूर से आग नजर आती है लेकिन आशिकों के लिए फूल है। इस बात की हकीकत उसके करीब आने से खुलती है। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 73, आशिक का सदरे जहां से मिलना। जिस तरह से मस्जिद के मेहमान ने अपने आप को शमाए इश्क पर कुर्बान करने की ठान ली थी, उसी तरह सदरे जहां के उस आशिक ने भी अपने आप को शमाए इश्क का परवाना बना दिया था। उसके इश्क की सौजश ने सदरे जहां के दिल पर वैसा ही असर किया। सदरे जहां उसके लिए दुआएं कर रहा था और कह रहा था कि उसने कसूर किया, हमने देख लिया, लेकिन उसने मेरी रहमत की तरफ ध्यान नहीं किया। वो अपनी खता ही को देखता रहा और हमारी मोहब्बत पर उसने गौर ही ना किया और भाग गया। वो खताकार है, वो अपने दिल के चोर की वजह से हमसे डरता है। हम तो न डरों को डराते हैं, जो पहले ही डरा हो उसे क्या डराएं। इंसान का बातिन दरख्त की जड़ की तरह है, जिस तरह की जड़ होगी वैसे ही पत्ते निकलेंगे। जिन दिलों में वफा के दरख्त की जड़ है उनके फल आसमान पर हैं। ऐसा इसलिए है कि वो उन दरख्तों में से है जिसकी जड़ तो जमीन पर है लेकिन शाखें आसमान पर पहुंची हुई है। जबकि इश्क का फल आसमान पर पैदा होता है तो सदरे जहां के दिल में क्यों पैदा ना होगा। दिल से दिल तक राह होती है, दो दिल दो जिस्मों की तरह बिल्कुल जुदा नहीं होते, उनमें बाहमी इत्तेसाल होता है। जिस्मों की जुदाई और दिलों के इत्तेसाल को यूं समझो कि दो चिरागों के दिए अलग अलग होते हैं मगर उनके नूर में बाहमी इत्तेसाल होता है। सदरे जहां के दिल में मोहब्बत इसलिए कायम थी क्योंकि आशिक के दिल की मोहब्बत पर माशूक के दिल की मोहब्बत का असर होता है। आशिक के दिल में मोहब्बत तब ही पैदा होती है जबकि पहले माशूक के दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी हो। इश्क का असर दोनों के दिलों पर होता है लेकिन इश्क के असरात चूंकि दोनों पर जुदा गाना है इसलिए इश्क आशिक को लागर बना देता है और माशूक को तरोताजा बनाता है। तो ये शुबा किया जाता है कि माशूक के दिल में इश्क नहीं है। अब ये भी समझ लो कि बंदे के दिल में इश्क के इलाही का जहूर इस मोहब्बत का असर है जो उस बंदे की खुदा ताला में है। प्यासा अगर पानी का तालिब है तो पानी भी पीने वाले का तालिब होता है। प्यासे की प्यास
पानी का दिल के जज्बा के असर से है। जिस तरह खालिक व मखलूक में बाहमी मोहब्बत और इश्क का रिश्ता है, इसी तरह कायनात में आपस में बहुत से जज्ब और इश्क हैं। दुनिया की अशिया जोड़ा जोड़ा है और हर एक अपने जोड़े का आशिक है। इसी तरह आसमान और जमीन में भी बाहमी इश्क और रगबत है। ये इश्क जनो शोहर की तरह का है। आसमान जो कुछ जमीन के सपुर्द करता है, जमीन उसकी जान की तरह परवरिश करती है। आसमान ही जमीन को गर्मी, तरी और नमी पहुंचाता है। जिस तरह शौहर बीवी के लिए कमाई में सरगर्दा रहता है, इसी तरह आसमान जमीन के लिए सरगर्दा रहता है। यह जमीन आसमान के वही काम करती है जो बीवी शौहर के लिए करती है। बच्चा जनती है, उसको दूध पिलाती है। जमीन और आसमान चूंकि जीहिस चीजों की तरह अमल करते हैं, उनको भी हसास समझो। जैसे बीवी के बगैर शौहर लावल्द होता है, इसी तरह अगर जमीन ना होती तो आसमान पैदावार से महरूम होता। नर और मादा में आपस में मिलान इसीलिए है कि हर एक काम की तकमील दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं है। और रात और दिन बाजार दो मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने काम में एक दूसरे के मोहताज हैं। हैवानी जिस्म चार अनासिर खाक, आप, बात और आतिश से मुरक्कब माना गया है। इन अनासिर में से हर एक का कुर्रा है जो उनका मकसिन है। इंसान के जिस्म के चारों अनासर हर वक्त अपने अपने कुर्रा की तरफ लौटना चाहते हैं। उन अनासर के मुतफर्रिक हो जाने का नाम मौत है। कुर्रा खाकी इंसान के खाकी हिस्से को अपनी तरफ आ जाने की दावत देता है। वो कहता है कि मैं अगरचे मरकज से जुदा हूँ और ये मेरे लिए तकलीफ देह है, लेकिन मैं अभी इस जिस्म का पाबंद हूँ। यही हाल दूसरे अनासर का है। बीमारी उन अनासर के जुदा होने का सबब बनती है और अनासर अपने अपने मराकज की तरफ प्रवास कर जाते हैं। उन अनासर की प्रवास के लिए हिकमत खुदावंदी मौत के वक़्त तक माने ही रहती है। अल्लाह ने क़यामत के वक़्त का इल्म अपने लिए मखसूस फरमा दिया है। जब तमाम अनासर अपने मराकज की रफाकत चाहते हैं और अपने असल के लिए बेचैन हैं, तो रूह जो कि हसास भी है अपनी असल से अलहदा रहने में किस कदर बेचैन होगी। रूह अज्जाए अंसरी से कहती रहती है कि मैं अर्शी हूं और तुम फर्शी हो, मुझे अपने मरकज से जुदा रहना बहुत नागवार है। चूंकि जिस्म फर्शी अज्जा से बना है, इसलिए उसका मिलान फर्शी चीजों की तरफ होता है। रूह इंसानी की असल रूह आजम है, लिहाजा रूह का मिलान अबदी जिंदगी और हय्यो कय्यूम की तरफ है और जिस्म का मिलान सिर्फ खाने पीने की तरफ है। जिस तरह रूह शर्फ की तरफ माइल है, उसी तरह शर्फ भी रूह की तरफ माइल है। कुरान पाक में मोमिनों के बारे में कहा गया है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, यानी खुदा उनसे मोहब्बत करता है और वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। मालूम हुआ कि जिस तरह रूह रूह आजम की तरफ माइल है, इसी तरह रूह आजम भी रूह की तरफ माइल है। अगर मैं उस रूह और रूह आजम के इत्तेहाद की बात करूं तो यह मसनवी बहुत जखीम हो जाएगी। खुलासा यह है कि हर माशूक अपने आशिक का आशिक होता है, जबकि इश्क तरफैन में होता है। तो आशिक का इश्क माशूक के चक्कर कटवाता है और माशूक का इश्क उसमें हुस्न का इजाफा करता है। माशूक का इश्क उसके रुखसारों को गुलनार बनाता है और आशिक का इश्क उसे जलाता है। कोहरबा में भी इश्क है लेकिन बेनियाजी के साथ, लिहाजा वो अपनी जगह पर कायम रहती है। तिनके में भी इश्क है जो उसे कोरबा की तरफ खींच लाता है। अब कायनात के जिक्र को छोड़कर सदरे जहां के आशिक की तरफ चलते हैं। आशिक की सर्द आहों का असर सदरे जहां पर हुआ और वो उस पर मेहरबान हो गया, लेकिन सदरे जहां के इश्क के लिए उसकी इज्जत और मरतबा अपने मशूक की तलाश में माने था। सदरे जहां का इश्क तो उसका मुश्ताक था, लेकिन उसकी सल्तनत इश्क के लिए माने बन रही थी। कशिश दोनों में थी, लेकिन किसकी कशिश दूसरे की कशिश का असर थी, इसमें अक्ल हैरान है। हजरत हक अपनी महबूबियत के इजहार के लिए आशिकों में जज्बाए इश्क पैदा करता है, लेकिन यह ऐसी तकरीर है कि अवाम इसी से अल्लाह ताला की एहतियाज और जरूरत का नतीजा निकाल लेंगे, इसलिए उसका बयान मुनासिब नहीं है। हजरत हक ताला इजाजत नहीं देता है कि इस अमर की वजाहत की जाए। मुझे इस अरादे से रोकने वाली वही जात है जो इंसानों के पुख्ता आजमो अरादा को रोक देती है।
इंसान सैकड़ों पुख्ता इरादे करता है और इरादे को पूरा भी नहीं कर सकता। इससे मालूम हुआ कि रोकने वाली कोई खास जात है। अल्लाह ताला उन इरादों को इसलिए फसख कराता है कि लोगों को उसकी मारिफत हासिल हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने खुदा को अपने इरादों के फसख होने से पहचाना। अल्लाह ताला हमारे दिल में 100 इरादे पैदा फरमा देता है और फिर उनको भी नाकाम कर देता है। जब पहला इरादा नाकाम होता है तो इंसान समझता है कि कोई जात फसख करने वाली है। जब इंसान की तदाबीर नाकाम होती हैं तो उसको कजाए खुदाबंदी और खुदा का यकीन हो जाता है। कभी इरादे पूरे भी हो जाते हैं कि इंसान मायूस ना हो और इरादे की नीयत को ही ना छोड़ बैठे। वो इरादा छोड़ देगा तो इरादे के नाकाम होने से जो मारफत खुदाबंदी हासिल होती है वो ना होगी। अहले अकल बावजूद इरादे के पुख्तगी के फिर महरूमी से ज़्यादा बारी की मारफत हासिल करते हैं। हदीस है, जन्नत को नापसंदीदगियों से घेर दिया गया है, यानी जन्नत में जाने के लिए वो असबाब हैं जो इंसानी तबीयत को नागवार गुजरते हैं। अहले अकल की नामुरादी जबरी है, लेकिन आशिकों की महरूमी इख्तियारी होती है। अहले अकल मजबूरी के बंदे हैं और आशिकाने हक उस महरूमी में वसले हक की नेमतें हासिल करते हैं। कुरान में है, फिर हक ताला आसमान पर उस्तवा हुआ और वो एक धुआं था। फिर उसने आसमान और जमीन से कहा, तुम दोनों फर्माबरदारी करो, खुशी से या जबरन। इससे ये बताना मकसूद है कि कुछ लोग अतात करने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि कफ्फार के वो कैदी के जब कैद होकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजबनाक नजरों से देख रहे थे, हालांकि वो उनको जन्नत की तरफ खींच कर ले जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कैदियों का ना फदिया कबूल फरमा रहे थे, ना रुपया पैसा, और ना ही उनके पास कोई सिफारिश पहुंच सकती थी। वो कैदी दिल में यही कह रहे थे कि लोग इनको रहमत आलम कहते हैं, हालांकि ये लोगों के गले काट रहे हैं। वो दिल ही दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तानाजनी कर रहे थे। वो कह रहे थे, हम ताकतवर होते हुए इन बेसरो समान लोगों से शिकस्त खाकर कैदी बने हुए हैं। इसकी वजह हमारी गलत रवि है, या हम पर सितारों की नहुसत है, या जादू हुआ है। फिर दिल में कहते कि उन्होंने जादू किया तो हमने भी तो जादू किया था, वो कारगर क्यों ना हुआ। कुरान में है कि ऐ मक्का वालो, तुम फतह मांगते थे, कहते थे जो हक पर हुआ उसको फतह हासिल हो, तो फतह आ गई। अब अगर तुम बाज रहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम पलटे तो हम भी पलटेंगे, और तुम्हारा जत्था तुम्हें फायदा ना पहुंचा सकेगा, खा कितना ही ज्यादा हो, और बेशक अल्लाह मोमिनों के साथ है। कुफार कहते थे कि हमने बुतों और खुदा से दुआएं मांगी थी कि जो हक पर हुआ उसे फतह हो जाए, तो लगता है मुसलमान हक पर हैं। फिर अपने इस ख्याल की तरदीद करते और सोचते कि हमारी शिकस्त और मुसलमानों की शिकस्त में बहुत फर्क है। हम शिकस्त से पस्त अरादा हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान शिकस्त के बाद ज्यादा उबरते हैं। ये शिकस्त से पस हिम्मत नहीं होते, बल्कि इनमें कुव्वत ईमानी और बढ़ जाती है। मुसलमानों की बेसरो समानी इनके ईमान की अलामत है, और मोमन की शिकस्त उसके अमालो अखलाक की इसलाह कर देती है। जैसे मुश्क को अंबर की डली को अगर तोड़ दिया जाए तो खुशबू ज्यादा फैलती है। काफरों की शिकस्त की मिसाल लीद की सी है कि अगर कुरे देंगे तो ज्यादा बदबू फैलेगी। मुसलमानों और काफरों की शिकस्त को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। मुसलमानों की शिकस्त चूंकि मजीद तकवीयत का बाइस है, इसीलिए कुरान में सुलह हदैबिया की बज़ाहर नाकामी को फतह मुबीन करार दिया गया, क्योंकि आइंदा आने वाले वाकयात ने यही साबित कर दिया है। सुलह हदैबिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि उमरा के बगैर वापस हो जाओ और इस नाकामी से रंजीदा ना हो, क्योंकि यह नाकामी बहुत सी फतूहात का सबब बनेगी। अगर फतूहात और गनीमतें ना भी हों तब भी यह जमात वो है जिसको रजा का मुकाम हासिल है, कि जिसमें गम भी इस तरह खुशगवार होता है जिस तरह खुशी। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि सालिक को रजा का मुकाम उस वक़्त हासिल होता है जबकि गम भी उसके लिए ऐसा ही खुशगवार हो जैसा कि खुशी। इस जमात के लोग फकर में शहनशाही और खिजा में बहार के लुत्फ उठाते हैं। अगर कुएं की गहराई में उनको मैयत हक हासिल हो तो वह आसमान की बुलंदी से बेहतर है। बड़ाई दरअसल मैयत हक में है,
ऊंचाई या निचाई में खुद कोई फजीलत और बड़ाई नहीं है। अल्लाह का कुर्ब बुलंदी और पस्ती से हासिल नहीं होता, बल्कि तरके हस्ती से हासिल होता। जब मुकाम फना हासिल हो जाए तो असरारे खुदावंदी जाहिर होते हैं। कैदी कह रहे थे कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर फनाइत हासिल है और वो अल्लाह के मुकर्रब हैं तो हमारी तबाही पर क्यों खुश हो रहे हैं, वो हमें कैद में देखकर खुश क्यों हैं। यकीनन उनकी खुशी इस बिना पर है कि उन्होंने हम पर फतह पाई है। अल्लाह वाले तो सब इंसानों पर मेहरबान होते हैं, खा इंसान भले हों या बुरे। उनकी ये खुफिया बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन ली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान इस जहान के कान न थे बल्कि खुदाई कान थे, जिनके लिए आहिस्ता बात और बुलंद आवाज यकसां थी। जिन लोगों को कुर्बे इलाही हासिल हो जाता है वो सिफात हक से मुत्तसिफ हो जाते हैं। लोहे महफूज के असरार शयातीन आसमानों पर पहुंचकर भी नहीं सुन सकते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर सुन लेते थे। असरार खुदाबंदी हासिल करने का वाहद जरिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदियों की बात सुन ली तो फरमाया, मेरा हंसना जंग के किसी मामले से मुतल्लिक नहीं है, तुम लोग काफिर हो इसलिए मुर्दा हो, मुर्दे को मारना तो बहादुरी नहीं है। मैं तो तुम्हें पहले ही इस तरह बंधा हुआ देख रहा था। खानदान और सल्तनत पर नाज करना ऐसा ही नापायदार है जैसा कि ऊंट का सीढ़ी पर टकाव। जब से मैं जिस्म की मादियत से आज़ाद हो गया हूँ, हर आने वाले वाक्य को इसी तरह देख लेता हूँ जैसा कि वो मेरे सामने हो रहा हो। किसी चीज़ के मदूम होने की हालत में उसके वजूद को देख लेता हूँ। मैं अजल से होने वाले वाक़यात से भी बाखबर हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में से उनकी औलाद को चींटियों की शक्ल में निकालकर उनसे अहदे अलस्त लिया गया था, तो मैंने उस वक़्त तुमको औंधा देखा था। तुम्हारी शिकस्त मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। कायनात के बारे में जो इल्म मुझे अजल में हासिल हुआ था, कायनात के वजूद के बाद उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। मैंने अजल ही में तुम्हें कहर इलाही में मुब्तिला देखा था, वो कहर भी ऐसा था जिसे तुम महर समझते हो। मेरा ये जहाद मुल्क गिरी के लिए नहीं है, मेरा काम तो लोगों को हयाते अबदी अदा करना है। मेरा जंग करना आलिम में फसाद को रफा करने के लिए है। मैं अपनी शान और शौकत के लिए जहाद नहीं करता, बल्कि मुफसदीन को ख़त्म करके आलम में अमन पैदा करना चाहता हूँ। मेरी मिसाल उस शख्स की है जिसने आग रोशन की, जब आग खूब फैल गई तो परवानों और उन जानवरों ने जो आग में गिरते हैं उसमें गिरना शुरू कर दिया। बस मैं तुम्हारी कमर को पकड़ता हूँ कि तुमको आग से बचाऊं, लेकिन तुम उसमें घुसे पड़ते हो। जिस चीज को तुम अपनी फतह समझते हो यही तुम्हारी नहुसत है। तुम एक दूसरे को अजधे के मुंह में जाने की दावत देते हो। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहां आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।